अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। गाइस देखिए, सैरी का वक्त शुरू हो गया है और मैं भी उठ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने पराठे बनाने। देखिए चाय बन गई है, बनाऊंगी पराठा और आज बनाएंगे हम एग फ्राई। देखिए अंडा, चलिए आज के डैडी को उठा देते हैं। उठ गए गाइस। देखिए हमारे वही डेली के काम स्टार्ट हो गए हैं और अभी ईद भी आने वाली है और अभी डीप क्लीनिंग भी करनी है मुझे। अब देखिए कपड़े भी ज़्यादा हो गए हैं, मैंने मशीन लगा दी है, अब इसमें कपड़े डालूंगी। धूप भी देखिए इतनी तेज़ निकल रही है, धूप तो बहुत ही तेज़ हो रही है। अभी किचन को भी क्लीन करना है, सैरी में तो कर दिया था मैंने लेकिन एक बार और करना है। अर्ष अभी सो रहे हैं, उन्हें उठाना है। और गाइस आपसे मुझे बात भी करनी थी कि आप लोगों का, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ जो लोग मुझे वॉच करते हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप अपनी इतनी डेली रूटीन में से थोड़ा सा वक्त निकालते हैं कि 8-10 मिनट का टाइम निकाल ही लेते हैं मेरा व्लॉग वॉच करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, हर एक ब्लॉग को लाइक करें और जो लोग न्यू मुझे देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि गाइस हर काम में देखिए मेहनत लगती है और रमज़ान शरीफ भी हैं और बहुत बिज़ी रूटीन रहता है, आप लोग तो जानते हैं हर एक लेडी का, कि घर के काम के साथ साथ बच्चों को भी देखना और फिर सारे काम भी करना और फिर इस व्लॉगिंग का काम भी करना, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि हर काम में मेहनत भी लगती है। तो गाइस मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप जब मैं सैरी में उठती हूँ तो सैरी में उठने के बाद नमाज़ पढ़ने के कुरान शरीफ थोड़ा वॉक करती हूँ, उसके बाद मैं व्लॉग की एडिटिंग करती हूँ, फिर से अपलोड करना होता है मुझे। बहुत सोते सोते समझ लीजिए 8 बज जाती हैं सारा काम करते करते। और अभी मेरे सब्सक्राइबर 100 भी नहीं हुए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बार बार आपसे इसलिए कहती हूँ कि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस मुझे आपसे यही बात करनी थी और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। अगर आप लोग आगे एक दो लोगों को भी शेयर करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर किसी के टच में होते हैं, ये कोई ना कोई होता है, रिश्तेदारी में होता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को, अगर किसी ने एक एक दो दो लोगों को भी शेयर कर दिया और सब्सक्राइब हो गया तो मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। मेरे अभी 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, बहुत स्लो स्लो बढ़ रहे हैं। और आप लोग मुझे बताएं कि मुझे और क्या करना चाहिए ताकि मेरे ब्लॉग और अच्छे हो सकें। मैं अपनी तरफ से तो पूरी ही कोशिश करती हूँ, पूरी मेहनत करती हूँ कि मेरे अच्छे से अच्छा ब्लॉग बने, आप लोग अच्छे से अच्छा कोई दिखा पाऊँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि और मैं क्या करूं। और आपसे एक चीज़ और पूछनी थी कि आप लोग चाहते हैं मैं अपना फेस रिवील कर दूं, अगर जो कितने लोग चाहते हैं मैं अपना फेस रिवील करूं, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं अपना फेस रिवील कर दूं। तो चलिए गाइस फिर हम चलते हैं, अपना जो भी काम है उसे करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबके लिए दुआ करती हूँ मैं, और आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखिए।
चलिए फिर मिलते हैं सारे काम करने के बाद। देखिए गाइस, मैंने अंदर की तो झाड़ू लगाई है, बस खाली देखिए क्लीन हो गया सब साफ। और मैं यहाँ पानी डाल के साफ करती हूँ क्योंकि गर्मी होने लगी ना, मैं ठंड में भी वाइपर ही करती हूँ बाहर का। मुझे घर साफ बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए यहाँ से वहाँ तक वाइपर करता हूँ, डस्टिंग मैंने सारी कर दी है, बस वाइपर करना ही रह गया। अंदर का तो बिल्कुल एकदम क्लीन कर दिया, फैन भी ऑन कर दिया मैंने, सब साफ हो गया। अभी ये कारपेट भी जिन्होंने मैंने आपको बताया था कि इसे हटाना है, टाइम नहीं मिल रहा मुझे, इसे भी वॉश करना है। आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, सूखी भिंडी। और देखिए अगर टाइम हुआ तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे दूँगी, ये बहुत ही अच्छी बनती हैं। मिर्च काट कर, साबुत लाल मिर्च काट के बनती हैं ये और बहुत ही टेस्टी होती हैं। तो अगर टाइम हुआ तो मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी। यहाँ पर हमारी इफ्तार की प्रिपरेशन भी शुरू हो गई थी, मैंने पकौड़ियों का भी मिक्स कर दिया था। और ये हैं भिंडियों का, देखिए भिंडियों में डलेगी प्याज और टमाटर, ज़ीरा और लाल मिर्च। और ये हैं भिंडी हमारी। अब देखिए सबसे पहले मैंने भगोने में रिफाइंड डाल दिया है, रिफाइंड जब गर्म हो जाएगा हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए अब प्याज को हम फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। जब प्याज हमारी अब देखिए ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें ये भिंडी डाल देंगे। ये भिंडी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी भी होती है ये। आप इसे रोटी से, पराठे से, किसी चीज़ से भी खाएं, ये टेस्टी ही लगती हैं खाने में। अब भिंडियों को थोड़ा सा फ्राई, ऐसे ही इसको प्याज के साथ फ्राई करेंगे 2-3 मिनट के लिए। फिर हम इसमें टमाटर और ये लाल मिर्च डाल देंगे। और गाइस मैं ज़ीरा भूल गई थी, जब प्याज ब्राउन होती है ना ज़ीरा उस टाइम डलता, और मैं भूल गई थी क्योंकि मैं एक साथ इफ्तार की तैयारी भी कर रही हूँ और ये रात के लिए भिंडी ही बना रही हूँ। तो उधर दूसरी साइड मेरी पकौड़ियाँ भी बन रही हैं, पकौड़ियाँ फ्राई हो रही हैं। और मैंने आज बस 2-3-4 ब्रेड पकौड़े बनाए थे, तो अब हमने इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। लेकिन गाइस इसमें अभी हम नमक नहीं डालेंगे भिंडी में, क्योंकि भिंडी जो है वो टमाटर डालने के बाद चिपचिपा निकलता है, उसमें से चिपकी चिपकी हो जाती है ना, तो हम नमक नहीं डालेंगे, नमक से और इसमें से पानी निकलने लगेगा टमाटर और ये भिंडी ख़राब हो जाती हैं, चिपक हो जाती हैं इनके अंदर। तो हम टमाटर डाल के जब तक इसको भूनते रहेंगे जब तक कि इसके अंदर का पानी बिल्कुल सूख नहीं जाता। जब इसका टमाटर का पानी सूख जाएगा फिर हम इसमें नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने साबुत लाल मिर्च भी डाली थी इसलिए थोड़े से कलर के लिए बस लाल मिर्च डालेंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं भिंडियों को ढककर नहीं बनाती हूँ, बस ये ऐसी भूनते भूनते ही गल जाती हूँ। और देखिए उधर मेरी पकौड़ियाँ तो फ्राई हो गई हैं, थोड़ी सी बनाई थी, और अब मैं ब्रेड पकौड़ा फ्राई करूँगी। और बस ये भिंडी ऐसी ही भूनते भूनते ये गल गई थी, फिर मैंने इसे बस 2 मिनट के लिए ढक कर रखा था। और इसमें हम जब भिंडी हल्की सी गल जाएगी ना, तो हम इसमें ही सूखी मेथी डाल देंगे। सूखी मेथी डालने से बहुत ही अच्छी इसके अंदर खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इसका। तो देखिए यहाँ मेरी पकौड़ियाँ तो हो गई थी, अब मैं ये ब्रेड पकौड़े बना रही थी, बस ज़्यादा कुछ मैंने और बनाया नहीं था और बस एक पिज़्ज़ा बनाया था। तो ये साथ साथ मेरे दोनों काम चल रहे थे, क्योंकि रोज़ इफ्तार के बाद फिर कोई काम होता नहीं है, नमाज़ पढ़ने के बाद बस ये दिल जाता लेट जाए।
और वही हुआ था कि मेरी रोटी रह गई थी, तो फिर मुझसे इफ्तार के बाद फिर कोई काम नहीं होता, क्योंकि सारा दिन तो मैं काम करती हूँ, एक मिनट के लिए भी गाइस नहीं बैठती, और वाइपर भी मैं रोज़ ही करती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं। देखिए यहाँ हमारे ब्रेड पकौड़े भी फ्राई हो रहे हैं और बहुत अच्छे टेस्टी बने थे। आप देखिए वही मेरे भगोने में पिज़्ज़ा बेक कर रही हूँ मैं अपना। आप लोग दुआ करें कि मेरा जल्दी से ओवन आ जाए। जैसे ही मेरा ओवन आएगा ना, तो मैं आपको ओवन में बहुत सारी रेसिपी बताऊंगी, बहुत तरीके के केक, पिज़्ज़ा, पैटीज, सब कुछ बताऊंगी। और देखिए यहाँ पर हमारी भिंडियाँ भी रेडी हो गई थी, और देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं ये ग्रीन और रेड टमाटर, और बनी भी बहुत ही अच्छी है थी, ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी बनी थी। और यहाँ पर देखिए हमारा पिज़्ज़ा भी बेक हो रहा है। आप जब भी भगोने में पिज़्ज़ा बनाएं तो बहुत ध्यान से बनाएं, क्योंकि मैं जल्दबाज़ी में काम करती हूँ, मेरे हाथ ज़रूरी जलता है इससे। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा भी बेक हो गया था। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं जल्दी से एक ओवन ख़रीद लूँ। जैसे ही मेरा ओवन आता है तो मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी दूँगी। और देखिए माशाल्लाह यहाँ हमारा इफ्तार भी रेडी हो गया था, और बस अजान में भी कुछ ही टाइम बचा था, और बस अब वैसे फ्राई चीज़ें खाने से दिल भी भर गया है। मैंने थोड़ी सी सिवैयाँ बनाई थी, मैंने एक आध पकौड़ी खाई और सिवैयाँ खा ली थी बस। गाइस अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, और नमाज़ के बाद मैं फिर पढ़ूँगी शबे कद्र। तो गाइस इस व्लॉग का एंड मैं यहीं पर कर रही हूँ। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे और हमें भी अच्छा रखे। अल्लाह हाफिज़।